नालागढ़ में शिक्षा बोर्ड की परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र के अधीक्षक पर जानलेवा हमले से शिक्षक वर्ग ने अपना गहरा आक्रोश प्रकट किया है। इस हमले में परीक्षा केंद्र के अधीक्षक ने किस प्रकार से अपनी जान बचाई है। बोर्ड परीक्षा केंद्र के अधीक्षक के वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर अपनी अमानवीय मूल्यों का खासा हनन किया गया। नालागढ़ में पेश आई इस घटना से शिक्षा जगत को भी गहरा धक्का लगा है। टीजीटी प्रवक्ता प्रवीण सिंह ने नालागढ़ में प्रदेश सरकार शिक्षा बोर्ड की चल रही परीक्षा केंद्र के अधीक्षक के साथ हुई इस घटना की कड़ी निंदा की है। इस संदर्भ में शिक्षा बोर्ड धर्मशाला को कड़े कदम उठाने की जरूरत है। शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में पूरी तरह से नकल पर लगाम लगाने के लिए परीक्षा केंद्र के अधीक्षक पर ही जानलेवा हमला करना मानवता के मूल्यों के प्रति घिनौना कार्य है। ये इस हरकत की कड़ी निंदा की। परीक्षा केंद्र हमीरपुर के अधीक्षक श्यामलाल ने बताया कि नालागढ़ शिक्षा बोर्ड की घटना से शिक्षक वर्ग को गहरी चोट पहुंची है। प्रदेश शिक्षा बोर्ड के सभी परीक्षा केंद्रों में नकल पर रोकथाम लगाने के लिए सीसीटीवी कैमरे की सुविधा बोर्ड व शिक्षा विभाग का एक बेहतर कदम है। वहीं इस ओर शिक्षा बोर्ड तथा शिक्षा विभाग को परीक्षा केंद्रों में तैनात अधीक्षक की सुरक्षा को लेकर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस प्रकार की घटनाओं से परीक्षा केंद्र के अधीक्षक की सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। बाल स्कूल प्रधानाचार्य मंजू ठाकुर ने बताया कि बच्चों को नकल से दूर रखने के प्रयास को लेकर शिक्षा बोर्ड व शिक्षा विभाग कड़े कदम उठाए जाने के लिए मजबूर कर दिया है। परीक्षा केंद्र के अधीक्षक की सुरक्षा की जिम्मेवारी को शिक्षा बोर्ड के कंधों पर आन पड़ी है। इस प्रकार की घटना परीक्षा केंद्र के अधीक्षक के साथ सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध होना आज बोर्ड के उच्च अधिकारियों इस प्रकार की घटनाओं को कड़े निर्णय लेने की आवश्यकता है। हिमाचल प्रदेश राजकीय अध्यापक संघ के जिला प्रधान प्रदीप ठाकुर ने बताया कि शिक्षा बोर्ड के परीक्षा केंद्र नालागढ़ की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। ये पहली घटना नहीं है। इस घटना से पूर्व परीक्षा केंद्र के अधीक्षक तथा अन्य शिक्षकों पर भी अपनी ड्यूटी के दौरान कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा है। न तो इस ओर प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड और न ही शिक्षा विभाग कोई भी उचित कदम उठाने का साहस नहीं कर पाया है। इस घटना में परीक्षा केंद्र ने अपनी होशियारी से इस जानलेवा हमले में बचने के प्रयास किए। अगर वाहन में बैठे रहते तो शायद इस घटना से प्रदेश का सर शर्म से झुक गया है। नालागढ़ के परीक्षा केंद्र के अधीक्षक अपनी सेवाओं के बाद लौट रहे परीक्षा केंद्र पर जानलेवा हमला शिक्षक वर्ग के एक चुनौती का साफ संदेश दिया है। इस घटना ने यह दर्शा दिया है कि अब शिक्षा प्रदान करने वाला गुरु भी अब सुरक्षित नहीं है। जानलेवा हमला करना परीक्षा केंद्र के बाहर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। परीक्षा केंद्र के अधीक्षक का इस घटना में कोई खोट नहीं है। इस प्रकार की आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाए जाने की समय की मांग है। परमजीत ने बताया कि प्रदेश में एक सम्मान परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केंद्रों का सीसीटीवी कैमरे का होना एक अनिवार्य बनाया जाए। शिक्षा बोर्ड के परीक्षा केंद्रों में तैनात हुए केंद्र अधीक्षक की सुरक्षा को कड़े व पुख्ता प्रबंध होना समय की मांग बन गई है। इस प्रकार की घटनाओं पर शिक्षा बोर्ड को अंकुश लगाने के प्रयासों को तराशना होगा, जिससे शिक्षक वर्ग अपने आप को असुरक्षित महसूस न कर सके। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि जिस तरह से हमारे विभाग ने, बोर्ड ने, डायरेक्टरेट लेवल से जो स्टेप्स लिए गए हैं कि हर एग्जामिनेशन सेंटर पे कैमराज होने चाहिए, इसके लिए हम बहुत खुश हैं। क्योंकि एग्जामिनेशन, चाहे वो मार्च एग्जामिनेशन हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, वो एग्जामिनेशन फेयर होने चाहिए, टोटली फेयर, ताकि इन बच्चों में लर्न करने की, ज्यादा पढ़ाई करने की जो है वो हैबिट बन सके। हम बहुत खुश हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये है कि यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए स्टेट लेवल पे, पूरे स्कूलों में, स्टेट लेवल पे जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्कूल में जो है वो कैमराज लगे होने चाहिए। अब रही जैसे सिक्योरिटी की बात, जैसे अभी ये जो घटनाएं हो रही हैं नालागढ़ में, सिरमौर में जो भी घटनाएं हुई, ये तो बड़ी ही अटेंटिव, ये अलार्मिंग सिचुएशंस जो है वो क्रिएट हो रही है कि एक तरफ तो विभाग जो है वो नकल रोकने की कोशिश कर रहा है और साथ में टीचर्स, जो भी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, वो भी सारा पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं कि हाँ नकल जो है वो नहीं होनी चाहिए और नकल रोकनी चाहिए। लेकिन अब ये जो घटना है, इसके लिए विभाग को या बोर्ड को जो है वो एक स्टेप तो लेना ही पड़ेगा कि अंडर सिक्योरिटी जो सेंटर सुपरिटेंडेंट है उनके ऊपर पहले ही बड़ा प्रेशर रहता है, कोऑर्डिनेटर के ऊपर बड़ा प्रेशर रहता है, तो फिर जैसे विभाग, मतलब इसका तो एक ही हो सकता है कि सिक्योरिटी होनी चाहिए, अंडर सिक्योरिटी एग्जाम्स जो है वो कंडक्ट करवानी चाहिए। मेरा मानना तो है कि ये बहुत ही गलत है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। और सबसे बड़ी बात जो है,
जो सेंटर स्टूडेंट होता है उसके ऊपर प्रेशर बहुत होता है, क्योंकि एग्जाम ले रहे हैं तो सबका प्रेशर होता है, सिक्योरिटी उसके पास कोई नहीं होती है, सिर्फ एग्जाम तक ही सिक्योरिटी की बात नहीं है, जब एग्जाम ओवर भी होता है उसके बाद भी सिक्योरिटी क्या है, उसका परिवार कहाँ सिक्योर होता है, तो कैसे वो, क्योंकि मार्केट में जाना है, स्कूल से बाहर जाना है, तो हमारी क्या सिक्योरिटी है, नकल रोकने के लिए हम पूरा प्रयत्न करते हैं। और हम, मैं ये चाह रहा हूँ कि हिमाचल में हर जगह कैमरा होना चाहिए, कैमरे के अंडर ही एग्जाम होने चाहिए, और बहुत ही बढ़िया काम है। और जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं उनको रोकने के लिए विभाग को, शिक्षा बोर्ड को कार्रवाई करनी चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ऐसी घटना नहीं जो घटनी चाहिए, ये स्टूडेंट्स को भी सोचना चाहिए कि ना गलती का कारण किसी के ऊपर जानलेवा हमला करना जो है वो गलत है, गलत है, तो ऐसा भविष्य में नहीं होना चाहिए। पूरी सुरक्षा होनी चाहिए अधीक्षक को, सारे स्टाफ को, ये मांग करते हैं प्रशासन से और विभाग से कि पूरी सुरक्षा जो है वो प्रदान की जाए।